वाह, क्या दिलचस्प फिल्म है। मेरे पॉपकॉर्न खत्म हो गए। ओ नहीं, अब मैं फिल्म कैसे देखूंगी? ओ बच्चे, तुम क्यों रो रही हो? परेशान मत हो, लो यह सैलेड खा लो। नहीं, मुझे उनसे नफरत है। एमा, क्या तुम सच में परेशान हो? क्या तुम्हें कोक चाहिए? तुम्हें पता है मैं लालची नहीं हूँ। यह लो। छी, कितना घिनौना, मुझे ऐसे कोला की जरूरत नहीं है। यह कैसा शोर है? एमा रोना बंद करो। क्या तुम मेरे सिग्नेचर कॉकटेल को आजमाना चाहती हो? यह केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि बहुत संतोषजनक भी है। यह क्या है? यह घिनौना है, मुझे इसे भयानक चीजें मत दो। चलो सभी मल्टी डूपर एक कलिनरी चुनौती के लिए एक साथ चलते हैं। और मैं कोका कोला से शुरू करना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। क्या यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है? आसान, इसमें क्या पकाना है? बस एक नियमित कोक लेना है। मैं वास्तव में इसे खोलना चाहती हूँ और इसे पीना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो एमा को कोई आपत्ति नहीं होगी। ओह स्वादिष्ट, मुझे कोला बहुत पसंद है। अरे नहीं, अब यह खत्म हो गया है, तो मुझे अब कुछ बनाना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। गर्म सॉस पैन में कुछ चॉकलेट बार डालें ताकि वे पिघल जाए। हाँ, इस तरह से अच्छे से, हाँ मिलाकर, बस यह हो गया। अब आगे, ये कितना गर्म है, मेरा हाथ जल गया। ओह, इसके लिए तुम्हारे पास विशेष दस्ताने होने चाहिए। इसे पकड़ो ताकि तुम अब और न जलो। धन्यवाद दादी। तो अब इस लिक्विड चॉकलेट को एक बोतल में डालना होगा ताकि आखिरी तक एमा को लगे कि सबसे साधारण कोला है यह। और यह इतना ही नहीं है, अब यह M&M कैंडी का समय है। केवल यह मुझसे खुल नहीं रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। ओह, तुम्हें बस अपने दस्ताने उतारने होंगे। ओह हाँ बिल्कुल दादी, फिर से धन्यवाद। इसे खोल दिया और अब इसे बोतल में भरना है। जाहिर है यह स्वादिष्ट है लेकिन बिल्कुल हेल्दी नहीं है। कोला स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, पर ब्लूबेरी और शहद की बात ही कुछ और है। यदि उन्हें मिलाते हैं तो कुछ अद्भुत मिलेगा। मैंने यह खाली साफ बोतल लिया और अब इसके अंदर ब्लूबेरीज डाला और ऊपर से शहद डाला। सबसे जरूरी बात है इस मिक्सचर को अच्छे से मिलाना है। इस तरह से, पर मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अब बोतल को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखना होगा। बस मैं समय बर्बाद नहीं करती हूँ और अपनी बुनाई का काम जारी रखती हूँ। यह सब पूरी बकवास है। पूरी तरह से अलग सामग्री का उपयोग करके एक स्वादिष्ट ड्रिंक बनाया जाना चाहिए। मुझे गुलाबी न्यूटेला से शुरुआत करनी होगी। मुझे पता है कि इसे सभी पसंद करते हैं और इसे एक अच्छी खाने वाली बोतल बनाऊंगी। मैं एक प्लास्टिक का बोतल लेकर उसे सांचे के रूप में इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, उदाहरण के लिए व्हिप्ड क्रीम, स्ट्रॉबेरी और स्पंज केक के टुकड़ों से एक असली केक बना सकते हैं। इस तरह से, अब बस इसे ऊपर से डालकर एक बोतल तैयार करना है। ताड़ाम, अब ये पूरी तरह से तैयार है। ये बहुत मुश्किल है, मेरे पास भी चॉकलेट कोला है लेकिन इसे बनाना बहुत आसान था। रुको, दादी कहाँ है? वाह, इंतजार करते करते मैं एक शानदार स्वेटर बनाने में कामयाब रही। मेरा कोला तैयार है, अब ये समय है अपने पोती के पास जाने का। ओह, मैं काफी बूढ़ी हो गई हूँ, मैं लेवल के बारे में भूल ही गई, लेकिन मैं इसे जल्दी ठीक कर दूंगी। वाह, यह कोक को आजमाने का समय है। मैं शायद उसी से शुरू करूंगी जो सबसे ज्यादा ओरिजिनल दिखता है। लगता है इसके अंदर कुछ है। मुझे आशा है कि कुछ बहुत स्वादिष्ट है। वाह, कितना अच्छा, ये एक असली चॉकलेट कोला है, मेरा फेवरेट कैंडी, M&M's और बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट। मुझे यह पसंद है, कितना बढ़िया। अब बाकी दो कोला ट्राई करने के लिए बचा है। शायद इस बार मैं यह बीच वाला चखूंगी। वाह,
अंदर कुछ गाढ़ा है। मुझे आशा है कि बहुत ही स्वादिष्ट होगा। ओ वाह, ये किसी तरह का सिरप जैसा दिखता है। ब्लूबेरी के साथ शहद। दादी जानती है कि मुझे दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा क्या पसंद है। खैर, जीतने के लिए आखिरी उम्मीदवार बचा है। चलो इस ग्लैमरस पिंक कोला को ट्राई करें। ऐसा लगता है कि अंदर एक केक के समान कुछ है। मैं चाकू से बोतल काटती हूँ तो मुझे पता चलेगा। हाँ, वास्तव में केक। कितना स्वादिष्ट है यह। शेफ रोज इस राउंड में जीतती है। यह स्पष्ट था, आखिर मैं एक प्रोफेशनल कुक हूँ। इस बार आपको मेरे लिए बर्गर बनाना है। बर्गर? ये एकदम आसान होगा, मैं आखिर प्रोफेशनल हूँ। बर्गर पर वे हेल्दी नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन सूजी सुनेगी नहीं। खैर, हमारे पास कम प्रतियोगी होंगे। हमें कटलेट के साथ शुरुआत करनी चाहिए। बेशक मैं इसे अपने हाथों से करूंगी, अपनी प्यारी पोती के लिए पूरे प्यार से। दादी के अलावा और कौन दिल के आकार का कटलेट बनाएगा। खैर, इसे तलने का समय है, मैं जल्दी वापस आऊंगी। कटलेट बनाना कौन सा मुश्किल काम है। मैं अपने हाथों से बंस भी बनाऊंगी। इसके अलावा प्रत्येक बन रंग में दूसरे से अलग होगा। एमा ने निश्चित रूप से कहीं और ऐसे रंगीन बर्गर नहीं देखा होगा। और मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक मेरा बर्नर इन बंस को पका नहीं देता। मेरे कटलेट से कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। एमा को ये जरूर पसंद आएगा। कितना अच्छा। वास्तव में अच्छी खुशबू आ रही है। रुको, क्या तुम लोगों ने खाना बनाना शुरू भी कर दिया? अरे नहीं, और मेरे पास समय नहीं होगा। मुझे मैकडोनल्ड से तैयार बर्गर ऑर्डर करना होगा। एमा निश्चित रूप से उसे पसंद करेगी। ये अच्छा है कि खाना इतनी जल्दी वहाँ से आ गया है, और मैं इन सभी सामग्रियों से अपना बर्गर खुद बनाऊंगी। अगर मैं इसे अपना बिजनेस बनाऊं, तो इसे सूजी का बर्गर कहा जाएगा। मुझे लगता है कि एमा बिल्कुल खुश हो जाएगी। तुम इस फास्ट फूड के लिए इतनी उत्साहित कैसे हो सकती हो? शेफ बर्गर की बात ही कुछ और है। एमा ने ऐसा जरूर पहले कभी नहीं खाया होगा। इसे मैंने पूरे मन लगाकर तैयार किया है और यह बहुत खूबसूरत है। जरा इसे देखो, ये एकदम ओरिजिनल है। बर्गर सुंदर क्यों होना चाहिए? मुख्य बात यह है कि वे स्वादिष्ट हों। और केवल मन लगाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें प्यार से बर्गर पकाने की जरूरत है। मैं अपनी पोती को जानती हूँ, इसलिए वो मेरे बिना खुद ही सही बर्गर बनाएगी। कहाँ से शुरू करूँ? 1, 2, 3, 4, 5, मैं जा रही हूँ तुम्हें खाने। मैं इन रंगीन बर्गर के साथ शुरू करूंगी। मुझे आशा है कि वे न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। बुरा नहीं है, लेकिन मैंने बेहतर बर्गर खाए हैं। चलो दूसरे बर्गर पर चलते हैं। यह किस तरह का ढेर है? क्या मुझे खुद बर्गर तैयार करना है? नहीं दादी, आपको यह करना चाहिए था। यहाँ अंतिम विकल्प है जो मुझे वास्तव में पसंद है। मुझे आशा है कि न केवल विशाल है बल्कि स्वादिष्ट भी है। ओ हाँ, यह बिल्कुल मैकडॉनल्ड के बर्गर की तरह है, जैसा कि मुझे पसंद है। ये निश्चित रूप से इस दौर में सबसे स्वादिष्ट बर्गर है। सूजी, तुम्हें जीत पर बधाई। ओ हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि एमा मैकडॉनल्ड के साथ हमेशा खुश रहेगी। क्या आप एक और राउंड के लिए तैयार हैं? इस बार आपको पैनकेक्स बनाने हैं। एकदम आसान। मैं एमा के लिए पैनकेक्स तब से बना रही हूँ जब वो एकदम छोटी थी, इसलिए मुझे पता है कि उसे क्या पसंद है। बेशक हमें आटे से शुरू करना होगा। वैसे मेरा मैदा सबसे अच्छा है। एक गहरी बर्तन में इसे अंडे और दूध के साथ मिलाया जाना चाहिए। इससे हमें एक बढ़िया बैटर मिलेगा। इस तरह से इसे अपने हाथों से अच्छे से फेंटना है, तब बैटर अच्छे से मिल जाएगा। इस तरह से इसे हाथों से करना है, पिछली सदी की बात हो गई है। आज इसके लिए विशेष उपकरण है,
आपको सभी सामग्रियों को एक कंटेनर में डालना होगा। हालांकि मुझे असल में दूध पसंद नहीं है, लेकिन कोला की बात ही कुछ और है। और वैसे भी पैनकेक्स में वो सब क्यों नहीं जोड़ा जाए जो एमा को बहुत पसंद है, उदाहरण के लिए कैंडी स्किटल्स। हमें डोरिटोस चिप्स के बारे में नहीं भूलना चाहिए, और थोड़ा मार्शमेलो भी कुछ बुरा नहीं होगा। और अब यह सब मिलाया जाना चाहिए, यह मशीन यह सब अच्छे से कर लेगा। मुझे यकीन है कि एकदम बेकार होगा। यहाँ मैंने एक अच्छा पैनकेक डो तैयार किया है, यह अभी से ही बहुत स्वादिष्ट है। अब इसे एक विशेष सिरिंज में भरने की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं इसे फ्राइंग पैन में डालूंगी। ऐसा लगता है कि दादी बोर हो गई है। दादी आप क्यों सो रही है? वास्तव में मैं कुछ सोचने लगी थी। यह तलने का समय है। एमा को टेडी बेयर बहुत पसंद है, तो क्यों ना उनके सिर के रूप में उसे प्यारा पैनकेक्स बनाकर दे। वाह, मुझे नहीं पता था कि यह संभव है, लेकिन इतना परेशान क्यों होना, बस एक फ्राइंग पैन में सब कुछ डाल देती हूँ। बिल्कुल इस तरह से, बस थोड़ा सा इंतजार करना है और फिर यह तैयार हो जाएगा। सूजी, कुत्ते भी इसको नहीं खाएंगे। मेरे पैनकेक की बात ही अलग है, वे विशेष रूप से स्वादिष्ट होंगे जब मैं उन्हें ताजा स्ट्रॉबेरी और मीठे केले के साथ मिलाऊंगी। और यह सब खाने में बहुत सुविधाजनक होगा, क्योंकि मैं यह एक स्क्यूअर पर लगा दूंगी। और हमें चॉकलेट सिरप को नहीं भूलना चाहिए, यह किसी भी चीज को और स्वादिष्ट बना देता है। हाँ, यह दिलचस्प है जाहिर है, लेकिन एमा अभी भी भालू ही पसंद करेगी, खासकर अगर मैं उन पर व्हिप क्रीम डालूंगी। और ब्लूबेरी की मदद से मैं उनकी छोटी नाक बनाऊंगी। कितना अच्छा। और इस चॉकलेट के साथ मैं इसकी अच्छी आंख बनाऊंगी। क्या आपका सब कुछ तैयार है? ऐसा कैसे हो गया? मेरा पैनकेक क्यों फंस गया है? एमा, तुम इसे ऐसे भी खा सकती हो, है ना? यह क्या है? बॉन एपिटीट। वाह, सब कुछ कितना सुंदर है। तीसरे पैनकेक को छोड़कर यह क्या है? ऐसा लगता है कि मानो मेरे सामने कचरा पड़ोस दिया गया हो। कितना घिनौना है। मैं यह पैनकेक नहीं खाऊंगी, इससे बदबू आ रही है। और यह बस, वो मुझे मारना चाहता है। नहीं, वो अच्छा नहीं है। यह स्क्यूअर पर छोटे पैनकेक्स को ट्राई करने का समय है। स्वादिष्ट, मुझे वास्तव में पसंद आया। लेकिन अब इन प्यारे भालुओं की बारी है। जरा देखो वे कितने प्यारे हैं। और ये स्वादिष्ट भी है। दादी, आप सच में सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाती हो। आपकी जीत पर बधाई। मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपनी पोती को सबसे अच्छे से जानती हूँ। मल्टीरू चैलेंज को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आज की कौन सी डिश आप ट्राई करना चाहेंगे। हमारे साथ बने रहें, यहाँ सब हमेशा बहुत मजेदार होता है।